नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वैरागी उपन्यास का चतुर्थ अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय तथा शरद चंद्र जी के उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह एक दिन के मेल मिलाप से कुसुम ने अपने पति और सास को पहचान लिया था, उसी तरह उन लोगों ने भी उसे पहचान लिया था। इस बारे में उसे भी संदेह नहीं था। जो पहचानना जानते हैं उनके पास इस प्रकार अपने आप को उलझाकर कुसुम के हृदय में केवल एक अभूतपूर्व आनंद ही लोड़ नहीं लेने लग गया, बल्कि अनजाने में ही उसने अपने आप को एक दुर्दमानीय स्नेह के बंधन में डाल दिया। स्वयं इस बंधन को तोड़कर कुसुम ने कड़े की जोड़ी लौटाने को दी, किंतु बेचारा कुंजी जब उसे लेकर चल दिया, थोड़ी देर के लिए उसने काफी तीव्र वेदना का अनुभव किया। कोठरी में जाकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने वह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि उसके इस निष्ठुर व्यवहार से उन्हें कितनी आकस्मिक, अप्रत्याशित और मर्मान्तक पीड़ा होगी और मेरे बारे में वह कैसी धारणा बना लेंगे। शाम कब की बीत चुकी थी, कुंज लौट आया। चारों ओर अंधेरा देखकर अपनी बहन की कोठरी के सामने जाकर उसने पूछा, कुसुम चिराग नहीं जलाया? कुसुम अभी तक चुपचाप जमीन पर बैठी थी। घबराकर और कुछ लज्जित होकर वह उठ खड़ी हुई और बोली, अभी जलाई देती हूँ दादा, तुम आए कब? चला ही आ रहा हूँ, कहकर कुंजनाथ ने हुक्का और चिल्लम खोजी और तंबाकू चढ़ाने लगा। चिराग जलाने में कुछ देर हो गई, आकर देखा कि तंबाकू चढ़ाकर कुंजनाथ चला गया है। रोज की तरह आज भी कुसुम अपने भाई को खाना परोसकर दूर बैठ गई। गंभीर होकर आज वह भोजन करने लगा। वह कुछ बोला नहीं, जो बात करते कभी थकता नहीं था। उसे अचानक मौन देखकर कुसुम को आशंका हुई। निसंदेह कोई अप्रीतिकर घटना हुई है, परंतु वह कैसी और कहाँ तक हुई है यह जानने के लिए वह छटपटाने लगी। यही सोचने लगी कि भैया का उन लोगों ने बहुत अपमान किया है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका छोटा भाई छोटा मोटा अपमान तो समझ ही नहीं पाता, अगर समझ भी ले तो इतनी देर तक उसे मन में नहीं रखता। खाना खाकर कुंज जब जाने लगा तो कुसुम से नहीं रहा गया। मधुर स्वर में उसने पूछा, दादा किसके हाथ में वे कड़े दिए? माँ के हाथ में, और किसके? उन्होंने कुछ कहा? कुछ भी नहीं, कहकर कुंज बाहर चला गया। कुंज जब दूसरे दिन फेरी के लिए बाहर जाने लगा तो खुद ही कुसुम को बुलाकर कहा, कुसुम तुम्हारी सास को न मालूम क्या हो गया है, ऐसी चीज उनके हाथ में दे आया, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वृंदावन को भला कहना होगा, जो प्रसन्न होकर कहने लगे, माँ किसकी बिसात है जो तुम्हारे कड़े पहन सके, हमारा भाग्य है माँ जो भगवान ने हमारी चीजें में वापस करके सावधान कर दिए हैं। कुसुम यह क्या? कुसुम का गोरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जोर से सिर हिलाकर उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। यह बात क्या उन्होंने खुद कही? हाँ, माँ तो कुछ बोली नहीं, इसके अलावा सवेरे से ही वे ना जाने कहाँ गई थी, तब तक उन्होंने नहाया खाया भी नहीं था। मेरी और वे इस प्रकार देखने लगी जैसे वे समझ ही ना पाई हो कि उन्हें मैंने क्या दिया और क्या कहा। यह कहकर कुंज अपने आप ही गर्दन हिलाकर सिर पर दौरा लेकर बाहर निकल गया। 3-4 दिन बीत गए, खाना अच्छा नहीं बना था, इसलिए कल परसों कुंज मुँह फुलाए रहा। आज साफ साफ शिकायत कर देने से भाई बहन में झगड़ा हो गया। थाली फेंककर कुंज उठ खड़ा हुआ और कहा, कभी यह जल गया कभी वह खराब हो गया, आजकल तुम्हारा मन रहता कहाँ है कुसुम? कुसुम ने गुस्सा होकर जवाब दिया, किसी की खरीदी हुई बांधी मैं नहीं, मुझसे नहीं बनता खाना, जो अच्छा खाना बनाए उसे जाकर ले आओ। कुंज को तेज भूख लगी थी, वह डरा नहीं, हाथ मटका कर कहा, पहले तू यहाँ से चली जा, उसके बाद देखता है लाता हूँ कि नहीं लाता। यह कहकर दौरा लेकर वह खुद ही जल्दी से चला गया। उस दिन से ही जी भरकर रोने के लिए कुसुम व्याकुल हो रही थी। ऐसा अच्छा मौका उसने हाथ से निकलने नहीं दिया। भाई की परोसी हुई थाली पड़ी रही, सदर दरवाजा वैसे ही खुला रहा। आंचल बिछाकर रसोई घर की चौखट पर वह इस तरह रोने लगी मानो कोई मर गया हो। उस समय लगभग 10 बज रहे थे। रोते रोते वह थककर सो गई कि अचानक चौंककर आंखें खोलते ही उसने देखा वृंदावन आंगन में खड़े होकर पुकार रहे हैं, कुंज दादा, ओ कुंज दादा। उनकी उंगली पकड़े हुए 5-6 साल का एक स्वस्थ और सुंदर बालक था। घबराकर कुसुम ने घूंघट खींच लिया और झटपट किवाड़ की ओट में खड़ी हो गई। सब कुछ भूलकर किवाड़ की ओट में से उस वक्त उस स्वस्थ बालक को ही देखने लगी। देखते ही पहचान लिया कि वह मेरे पति की ही एकमात्र संतान है। उसकी आंखों में आंसू भराए और उसके दोनों हाथ हजार हाथ बनकर उसे छीन लेने के लिए
जैसे उसका वक्ष पंजर फाड़कर आगे बढ़ने लगा। फिर भी ना तो वह उसे बुला ही सकी, ना एक कदम आगे ही बढ़ सकी। प्रस्तर मूर्ति की तरह टकटकी बांधे वह उस बच्चे की ओर देखती रह गई। किसी की भी आहट ना पाकर वृंदावन को कुछ आश्चर्य हुआ। सवेरे ही किसी काम से वे इधर आए थे और अब लौट रहे थे। दरवाजा खुला देखकर सोचा कि कुंज घर में होंगे, इसलिए गाड़ी से उतरकर अंदर चले आए। कुंज से उन्हें कुछ आवश्यक काम था। बैलगाड़ी देखकर उनका पुत्र चरण भी सवेरे ही उस पर चढ़ गया था, इसलिए वह भी उनके साथ था। वृंदावन ने फिर आवाज लगाई, घर में क्या कोई नहीं है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। चरण ने कहा, बाबूजी बड़ी प्यास लगी है, पानी? वृंदावन ने बिगड़कर धमकाते हुए कहा, नहीं प्यास नहीं लगी, नदी पर पानी पीना। बेचारा लड़का चुप रह गया। लज्जा के आवेग को दबाकर कुसुम उस दिन स्वच्छंदता से वृंदावन के सामने आ गई और बहुत ही सहज ढंग से आवश्यक बातचीत भी कर पाई थी, किंतु आज मारे लाज के वह बेकाबू होने लगी। चरण अगर पानी ना मांगा होता तो शायद किसी तरह भी वह बाहर नहीं निकल पाती। पहले उसने कुछ आगे पीछे किया, किंतु बाद में एक आसन लाकर बरामदे में बिछा दिया। नज़दीक जाकर चरण को गोद में लेकर अंदर चली गई। वह इशारा तो वृंदावन की समझ में आ गया, किंतु वह यह नहीं समझ सके कि इस तरह चुपचाप वह बिल्कुल अपरिचित की गोद में चला कैसे गया। पिता अपने बेटे की आदत से भली भांति अवगत थे। इधर चरण भौचक्का सा देखता रह गया। एक तो उसके पिता ने उसे घुड़क दिया और दूसरे बिल्कुल अनजानी जगह में कहीं से आकर अचानक उसे इस तरह उठाकर ले जाए, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। भीतर ले जाकर कुसुम ने चरण को बताशे दिए। कुछ देर तक वह उसे गौर से देखती रही, फिर अचानक उसे छाती से चिपकाकर रोने लगी। चरण अपने आप को जब कठिन बाहुपाश से छुड़ाने लगा तो आंसू पहुंचकर कुसुम ने कहा, ये क्या बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमेशा से कुसुम बच्चों को प्यार करती थी। अगर कोई बालक उसे मिल जाता तो वह उसे जल्दी छोड़ती नहीं थी, किंतु इतनी प्रचंड लालसा उसके हृदय में कभी पैदा नहीं हुई थी। उसकी छाती जैसे टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी। वह सुंदर स्वस्थ और सबल बालक तो मेरा ही हो सकता है, किंतु हुआ क्यों नहीं? किसने यह बाधा डाली? माँ बेटे को इस तरह अलग करने का संसार में किसे अधिकार है? चरण को जितना ही वह अपनी छाती पर अनुभव करने लगी, उतना ही उसका वंचित और त्रिषित मात्र हृदय इस तरह की सांत्वना से विलग होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका धन किसी ने बल और अन्याय से छीन लिया है। परंतु चरण को यह असहनीय हो उठा था। अगर वह जानता तो नदी पर जाकर ही शायद पानी पिए होता। इस नहीं पीड़न की अपेक्षा प्यास इसे कहीं ज़्यादा असहनीय हुई होती। उसने कहा, छोड़ दो। अपने दोनों हाथों से उसका मुंह लेकर कुसुम ने कहा, माँ कहो तो छोड़ूंगी। चरण ने इसे लगाकर नहीं कह दिया तो नहीं छोड़ती कहकर कुसुम ने फिर जोर से अपनी छाती से लगा लिया। उसे इतना चुभा कि वह हाँफने लगा, माँ ना कहोगे तो कभी नहीं छोड़ूंगी। रुआ सा होकर चरण ने कहा, माँ अब तो उसे छोड़ना कुसुम के लिए बिल्कुल असहनीय हो गया। उसने उसे अपनी छाती पर दबा लिया और रोने लगी। देर हो रही थी, बाहर से वृंदावन ने कहा, क्यों चरण, पानी पी चुके? तब चरण ने रोते हुए कहा, वे छोड़ती ही नहीं। आंखें पहुंचकर कुसुम ने बैठे हुए गले से कहा, चरण आज मेरे पास रहेगा। वृंदावन ने दरवाजे के नज़दीक आकर कहा, वह कैसे रह सकेगा, माँ बहुत घबराएंगी और उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया। नहीं नहीं वह यहीं रहेगा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हुआ? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, गाड़ी लौटा दो, बहुत देर हो गई, नदी पर जाकर मैं चरण को नहलाए लाती हूँ। यह कहकर किसी उत्तर या प्रतिवाद की अपेक्षा किए बिना ही कुसुम गमछा तथा तेल की कटोरी लेकर चरण को गोद में लिए नदी की ओर चल पड़ी। घर के नज़दीकी छोटी सी स्वच्छ नदी थी। उसे देखते ही चरण खुश हो गया। उसके गांव में नदी नहीं थी, बस एक छोटा सा कच्चा तालाब है। उसे कोई उस तालाब में उतरने नहीं देता था, इसलिए ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिला था। घाट पर बैठकर इत्मीनान से उसने तेल मालिश की, फिर घुटने भर पानी में उछल पड़ा। कुछ देर उछल कूद कर नहा कर कुसुम की गोद में चढ़कर जब वह घर लौटा तब माँ बेटे में विलक्षण सद्भावना पैदा हो गई थी। बच्चे को गोद में लिए कुसुम सामने आई। उसका चेहरा खुला हुआ था, आंचल केवल ललाट छू रहा था। जाते वक्त उसने कहा था, मेरी तबीयत खराब हो रही है, किंतु अब तो उसके चेहरे पर कष्ट का कोई आभास ही नहीं मिल रहा था। उसके होठों पर अर्धविकसित गुलाब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसके व्यवहार में किसी तरह का संकोच या कुंठा थोड़ा सा भी नहीं था। अत्यंत सहज भाव से उसने कहा, अच्छा अब तुम जाओ नहाओ, उसके बाद भोजन होगा, उसके बाद खाना खाकर आराम करना, उसके बाद मैं नहीं जानती, लो गमछा लो, देर मत करो। यह कहकर हंसते हंसते कुसुम ने गमछा वृंदावन के ऊपर फेंक दिया।
वृंदावन ने गमछा पकड़ लिया और मुंह फेर कर एक विश्वास छोड़कर कहा, बल्कि देर तुम ही मत करो, चरण को कुछ खिला पिला दो, मुझे जाना ही होगा। क्यों? गाड़ी लौट जाने पर माँ खुद ही समझ जाएंगी। ठीक इसलिए गाड़ी नहीं लौट आई, आगे पेड़ के नीचे खड़ी है। बात सुनकर कुसुम का हंसता हुआ चेहरा उदास हो गया। कुछ देर तक खड़ी रहकर सिर उठाकर उसने कहा, तब तो माँ से बिना पूछे तुम्हारा यहाँ आना ही ठीक नहीं हुआ। कुसुम के इस छिपे अभिमान भरे स्वर को सुनकर वृंदावन हंस पड़े, किंतु मजा किरकिरा रहा। इसके बाद सहज स्वर में कहा, कुसुम मेरा लालन पालन इस ढंग से हुआ है कि माँ की इजाज़त के बिना इस घर में क्या, इस गांव में भी कदम नहीं रख सकता। किंतु छोड़ो, इन बातों को फिर से उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। जाओ, देर मत करो, लड़के को कुछ खिला पिला दो। यह कहकर वृंदावन फिर आसन पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से आंसू रोककर लड़के को लेकर कुसुम सिर झुकाए चली गई। घंटे भर बाद बाप बेटे गाड़ी में बैठकर जब घर की ओर चले तो रास्ते में चरण ने पूछा, बाबा माँ इतना रो क्यों रही थी? विस्मित होकर वृंदावन ने पूछा, क्यों रे, तुमसे यह किसने कह दिया कि वह तुम्हारी माँ है? चरण ने जोर देते हुए कहा, वह मेरी माँ तो है, क्या वह मेरी माँ नहीं है? इस बात का कुछ जवाब ना देकर वृंदावन ने पूछा, तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो? हाँ, रह सकता हूँ, चरण ने खुश होकर कहा। अच्छा, कहकर वृंदावन मुंह फेर कर लेट गए और सूर्य की किरणों से जले हुए स्वच्छ आकाश की ओर देखने लगे। दूसरे दिन तीसरे पहर की बात है, नदी से पानी लेने के लिए जाते समय कुसुम अपने घर के सदर दरवाजे की सांकल लगा रही थी। तभी 12-13 साल के एक लड़के ने इधर उधर देखकर नज़दीक आकर पूछा, कुंज बैरागी का घर कौन सा है? कुसुम ने कहा, क्यों कहाँ से आए हो? बड़ाल से, पंडित जी ने चिट्ठी दी है। यह कहकर अपने मैले दुपट्टे से चिट्ठी निकालकर उसने दिखलाई। कुसुम की नसों में खून तेजी से चलने लगा। उसने देखा ऊपर उसी का नाम लिखा है। लड़के को बुलाकर भीतर ले गई। पूछा, पंडित जी किसे कहते हैं? किसने दी तुम्हें यह चिट्ठी? विस्मित होकर बालक ने कुसुम से कहा, पंडित जी ने। पाठशाला के बारे में कुसुम नहीं जानती थी, इसलिए वह कुछ समझ ना सकी। उसने पूछा, चरण के बाबा को तुम जानते हो? जानता हूँ, वही तो पंडित जी हैं। तुम उनसे पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, पाठशाला में और भी कई लड़के पढ़ते हैं। कुसुम को और भी उत्सुकता हुई एवं उसने कई बातें पूछकर बहुत कुछ जान लिया। वह जान गई कि पंडित जी के घर में ही पाठशाला खुली है, वहाँ लड़कों को फीस नहीं देनी पड़ती, पंडित जी ही बालकों को स्लेट पेंसिल पुस्तकें खरीद देते हैं। जिन गरीब छात्रों को दिन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वे शाम को पढ़ने आते हैं और ठाकुर जी की आरती हो जाने पर प्रसाद लेकर हंसते खेलते घर लौट जाते हैं। दो लड़के आयु में बड़े भी हैं जो अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। ये सब बातें कुसुम ने पूछ ली और लड़के को कुछ बताशे देकर विदा किया। इसके बाद चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। कुसुम का सुख स्वप्न जैसे किसी ने तेज धक्का देकर तोड़ दिया। चिट्ठी उसी को लिखी गई थी, किंतु उसमें किसी तरह का संबोधन व स्नेह की बात नहीं थी, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं था, और उस पर भी यह पहली चिट्ठी थी। शायद इसके पहले कभी किसी ने उसे कोई चिट्ठी लिखी नहीं थी, किंतु अपनी सखी सहेलियों की अनेक चिट्ठियाँ वह देख चुकी थी। उन चिट्ठियों में और इसमें कितना अंतर है, इसमें शुरू से आखिर तक काम की ही बातें, खास बात है कुंजनाथ की शादी की। यही कहने वे कल आए थे। उन्होंने लिखा है कि माँ ने कुंजनाथ की शादी तय कर ली है और सारा खर्च भी वे अपने पास से ही दे देंगे। हर दृष्टिकोण से यह शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे कुंजनाथ के साथ साथ खुद कुसुम को भी के भी सांसारिक दुख दूर हो जाएंगे। यह संकेत प्राय स्पष्ट रूप से उसमें किया गया। एक बार पढ़ चुकने पर उसने उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश की, किंतु इस बार सब अक्षर जैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। चिट्ठी बंद कर किसी तरह वह कोठरी में जाकर पड़ी है। अपने इतने बड़े सौभाग्य की संभावना से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हो सकी।